When a rules-based order was under challenge in Asia, the advice we got from Europe is do more trade. At least we're not giving you that advice. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. भारत के हाजिर जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर देश के विदेश मंत्री तो हैं ही और तो उनके परिवार में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। उनकी वाइफ जहां जापानी है वहीं उनकी डॉटर इन लॉ यानी बहू अमेरिकन है। आज के इस वीडियो में हम जयशंकर के फैमिली के बारे में बात करेंगे। पंद्रह जनवरी 1957 को जन्मे एस जयशंकर तामिल हैं। उनके आईएएस फादर के सुब्रमण्यम फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट्स माने जाते थे, जबकि उनकी मदर सुलोचना म्यूजिक में पीएचडी थी। जयशंकर की पढ़ाई जेएनयू में हुई थी और यहीं से शुरू हुई थी उनकी प्रेम कहानी, जहां वो शोभा जी से मिले थे जो उनकी पहली पत्नी थी। उनकी कैंसर से मौत के बाद एस जयशंकर ने जापानी मूल की क्योको से शादी की। जयशंकर के तीन बच्चे हैं। बेटी मेधा जयशंकर लॉस एंजलिस में फिल्म इंडस्ट्री में है, वहीं बेटा ध्रुव अमेरिका में काम करता है। ध्रुव की पत्नी कसांड्रा अमेरिकन है। अर्जुन जो अभी पढ़ाई कर रहा है। जयशंकर को इंग्लिश, हिंदी, तमिल, इसके अलावा अगर फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो रशियन, जापानी और हंगेरियन लैंग्वेज भी आती है। अपने फादर की तरह ध्रुव का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब का है। 2019 में जब एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था, तब ट्विटर पर ध्रुव को टैग करके लोग पासपोर्ट वगैरह में हेल्प मांगने लगे थे, जिसका जवाब ध्रुव ने कुछ इस तरह से दिया था। पूरी फैमिली में मेधा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के घर वालों से जुड़ी यादों की बात हो, मेधा अक्सर इंस्टा पे ये सब चीजें शेयर करती रहती हैं। नानी के साथ बॉन्डिंग से लेकर दादी के गुजरने तक वो काफी कुछ शेयर करती रहती हैं। एस जयशंकर कम ही सही पर सोशल मीडिया पर कभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर ही देते हैं। बस उनकी ही तरह आपको इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को लेकर के अपना फीडबैक आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।